गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत, बुधवार को लखनऊ होंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राप्ती नदी के तट पर बने घाट पर उतारी मां राप्ती की आरती, दीप उत्सव में हुए शामिल, कहा अब जनपद में भी काशी के गंगा आरती के तर्ज पर होगा राप्ती आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कुल 60,65,00,000 रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 1 परियोजना का किया शिलान्यास, कहा मुक्तेश्वर नाथ के नाम से होगा शमशान घाट का नाम, जल संरक्षण के साथ शुद्ध होगा राप्ती का जल, लोगों को मिलेगा स्वच्छ अंत्येष्टि स्थल। राप्ती तट पर नव निर्मित गुरु गोरक्षनाथ राम घाट के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिव्यांगजनों को किया मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण, कहा मोटराइज्ड ट्राई साइकिल से दिव्यांग बन सकेंगे आत्मनिर्भर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ गुरु गोरक्षनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग का दीप प्रज्वलन और शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना, कहा मानव सेवा है ईश्वर सेवा के समान। चिट्ठी भेजकर मौसम वैज्ञानिक से 4,00,000 रुपए की रंगदारी मांगने वाले दो अभियुक्तों को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरफ्त में आए अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामद, भेजा जेल। अभ्युदय योजना के तहत कक्षाओं का संचालन मंगलवार से हुआ शुरू, गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मौजूद अभ्यर्थियों को प्रशासनिक व पुलिस अफसरों ने सफलता के दिए मंत्र। राप्ती नदी के तट पर नव निर्मित गुरु गोरक्षनाथ और राम घाट के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोट पर बैठकर राप्ती नदी के दोनों तटों पर हुए विकास कार्यों का किया अवलोकन, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में विधि विधान पूर्वक मां सरस्वती पूजा का किया गया आयोजन, कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री का किया अनुष्ठान, मां सरस्वती के जयकारों से गूंज उठा परिसर। गोरखपुर में मंगलवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,448, अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 37 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मंगलवार की शाम को भी संवाद भवन में योजना के चयनित प्रतिभागियों को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया प्रशिक्षण, कहा परिश्रम से लक्ष्य होगा हासिल, मिलेगी सफलता। जिले के आबकारी विभाग के देसी विदेशी मदिरा सहित मॉडल शॉप और भांग की दुकानों का ई लॉटरी के माध्यम से हुआ आवंटन, उप आबकारी आयुक्त ने कहा शेष दुकानों का अगले चरण में होगा आवंटन। और साईं बाबा के 16वें स्थापना दिवस पर कालीबाड़ी मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाला गया पालकी शोभा यात्रा, भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, साईं बाबा के नारों से गुंजायमान हुआ वातावरण।